जय जय अखिलेश बोलता देश रे, जय जय अखिलेश बोले परदेश रे, जय जय अखिलेश। कई बार इसलिए आज जो ज्यादा लोग आ गए हैं, आने वाले समय में आपको असुविधा नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि सरकार से भी बेहतर आपका स्वागत और सम्मान हम लोग इस पार्टी काले में करें। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं आपसे। ये हमारे साथ बैठे हैं ताहिर हुसैन सिद्दीकी और तहसीन सिद्दीकी, ये दोनों बहुत पुराने नेता हमारी पार्टी के भी रहे, इनका पूरा परिवार हमारे साथ हमेशा रहा है। कभी कभी ताहिर और तहसीन थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने आश्वासन दिया है भविष्य में हम समाजवादियों को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गरीब, किसान, मुसलमान, नौजवान, सभी जात धर्म के लोगों को जोड़ करके आगे मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं भीम निषाद भी शामिल हुए हैं, बड़ी संख्या में जिन लोगों के नाम लिए गए, हाजी अजमल कुरैशी जी, फरत अब्बास, रमेश सेठ, आनंद वर्मा, अमित सिंह, चंद्रशेखर वर्मा, राजेश वर्मा, विश्राम पाल धनगर और पूर्व सांसद जी हमारे कोल बैठे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो बहुत जिम्मेदार हैं, किसी न किसी रूप में अपने स्थान पर, अपनी जगह पर समाज को जोड़ करके आगे चलने का काम करते हैं। शायद हमारी पार्टी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, जो अपने बूथ पर जिम्मेदारी से बूथ को जिता सकते हैं, उन तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी शामिल कर रही है, उनका स्वागत कर रही है और हम भविष्य में भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आपका सम्मान करने का काम करेगी। वहीं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष वर्मा और उनके साथ बड़ी संख्या में सहयोगी साथी आए हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और इनके पत्नी डॉक्टर सीमा सिंह जी भी, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रोफेसर आनित्य गौरव, प्रोफेसर पंकज माथुर से लेकर के हमारी कोशिश होगी कि जहां हम राजनीतिक लोगों को शामिल कर रहे हैं, वहीं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, अगर वो भी समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर्स, इनका हमें समाजवादी पार्टी में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। इनका समय समय पर हम लोगों को सहयोग मिलेगा तो पार्टी को और मजबूत करने में हम लोग कामयाब होंगे। पार्टी बढ़े, आगे बढ़े, संगठन हमारा मजबूत हो, यही हमारी कोशिश होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोले हैं, सस्ता का अभियान चलाए, वोट भी नए बन रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा लोग जुड़ें। इधर अन्याय बहुत हो रहा है, जो खबरें पढ़ने को मिलती हैं, जो जानकारी होती है, कुछ घटनाएं हमें जरूर जानकारी में आ जाती हैं, लेकिन पार्टी संगठन से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है और समय समय पर हमने अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को मौके पर भी भेजा है। उदाहरण के लिए अभी कन्नौज की जब खबर हमने पढ़ी कि एक पुलिस के दरोगा ने, जो बीमार था, दलित, जो बीमारी में ग्रस्त था पहले से, उस गरीब को पीट पीट करके मार दिया, उसकी जान चली गई, लेकिन प्रशासन ने ऐसा दबाव बनाया कि उसका परिवार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दर्ज हुई है, लेकिन प्रशासन दबाव बनाता है कि एफआईआर दर्ज ना हो,
हमारे साथ बैठे शामली के, जो आपको घटना पता होगी, निषाद बिरादरी की एक बेटी हुआ दबाव बना रहे हैं राजनीतिक लोग, जो बड़ी कुर्सी पे राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं वो दबाव बना रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और अगर एफआईआर दर्ज होगी तो उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहना, परिणाम जो होंगे तुम्हारे परिवार के। वो परिवार हमारे साथ बैठा है, ये वो लोग हैं जिनकी हमने जैसा डीजीपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हम तो बीजेपी को वो पार्टी मानते थे जो इन चीजों से दूर रहती है, और मुख्यमंत्री ने कम से कम वो नोएडा का जो था कि कोई कि पुलिस के अधिकारी पोस्ट नहीं हो रहे, वो आ नहीं रहे क्योंकि दिन अच्छे नहीं है। इसलिए अगर दिन अच्छे नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जहां घटनाएं होंगी और सुनने वाला कोई नहीं होगा? तमाम घटनाएं हुई हैं, इतनी घटनाएं हुई हैं, मैं कह सकता हूं हमीरपुर उठा लो, वहां पे हुई, और 100 नंबर अगर उसके आंकड़े आ जाए सामने तो आपको ताज्जुब हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्या बन गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है घटनाओं की, और खासकर महिलाओं और बेटियों के ऊपर जो जिस तरह के अपराध हो रहे हैं ये सरकार रोकने में नाकाम हुई है। ये तो दावा करते थे कि आ जाएंगे तो हम रोक देंगे सब कुछ, कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, हम जात और धर्म का भेदभाव नहीं रखते। और मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, अगर कोई सबसे ज्यादा जातिवादी है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि हमारा जातिवाद तो जातिवाद लिख देते हैं अखबारों में, खबरों में आ जाता है, उनका कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रभारी, डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, ये शब्द। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमें उस तराजू पर ना तोला जाए